नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद। ध्वस्त हुआ आजम का गढ़, रामपुर में आजम खान का किला बह गया है। आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को दी पटखनी। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने रामपुर में आजम खान के बेहद अजीज आसिम रजा को हरा कर भगवा लहरा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। सपा के उम्मीदवार आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में अपनी अलग हनक रखने वाले आजम खान अपना गढ़ बीजेपी से नहीं बचा पाए। आपको बता दें, रामपुर विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव हुआ है। पहली बार उपचुनाव 2019 में हुआ था। उस वक्त आजम खान ने विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजिम फातिमा को जीत हासिल हुई। आजम ने सांसद रहते हुए इस सीट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं गौर करने वाली बात तो यह है कि पिछले 70 साल से इस सीट पर कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं जीता। वहीं 1952 से लेकर साल 2022 तक इस पर मुस्लिम उम्मीदवारों का दबदबा था। वहीं सपा नेता आजम खान रामपुर सीट से 10 बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि इस बार रामपुर सीट पर हिंदू प्रत्याशी बीजेपी के आकाश सक्सेना ने अपना परचम लहराया। वहीं रामपुर विधानसभा सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई थी। साल 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान को जीत मिली। साल 1993, 91, 69, 1985, 1980 में लगातार आजम खान जीते थे। सपा नेता आजम खान रामपुर सीट से 10 बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि साल 2019 के उपचुनाव में आजम खान की पत्नी तंजिम फातिमा ने जीत दर्ज की। साल 2017 में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने जीत दर्ज की। इससे पहले साल 2012, 7 और 2 में आजम ने चुनाव जीता। वहीं यूपी में रामपुर एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी ने आज तक जीत दर्ज नहीं की थी। आजम खान की लगातार जीत का एक कारण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होना भी माना जाता है। रामपुर सीट की आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 60% है। हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 40% है। यहाँ दलित, वैश्य, कायस्थ और ब्राह्मण मतदाता भी मौजूद हैं। दरअसल हेट स्पीच मामले में सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया था। वहीं हेट स्पीच मामले में उन्होंने जिस उम्मीद और भरोसे के आसरे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वो टूट गया। वहीं याचिका का मकसद आजम के राजनीतिक करियर को बचाए रखना था, लेकिन आजम खान अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। हालांकि आजम खान के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग गया है। होनहार नेता रहे आजम खान अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दफन होते जा रहे हैं। वहीं इस सीट पर हमेशा मुसलमान उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। फिलहाल आज आजम खान और सपा का तिलिस्म टूट गया है, क्योंकि इस बार आकाश सक्सेना ने बहुत ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 70 साल से इस सीट पर कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं जीता था, लेकिन आकाश सक्सेना ने रामपुर का इतिहास बदल दिया है और आजम खान के गढ़ रामपुर में साइकिल पर ब्रेक लगाकर कमल खिला दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।